ये हिंदुस्तान की शक्ति पूजा है, ये अखंड विजय का संपूर्ण नाद है, ये हर संभावित युद्ध में भारत की जयकार है, ये शत्रु के संहार के लिए आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की जयकार है, ये हमारी वो मारक अस्त्र शक्ति है जिसके आगे चीन का कलेजा भी कांपता है और पाकिस्तान का हौसला भी साथ छोड़ जाता है। ये तस्वीरें चीन और पाकिस्तान दोनों के हुक्मरानों की नींद उड़ाने वाली है, क्योंकि इनके लपकते दमकते शोले हकीकत का वो आईना है जिसमें उन्हें अपने स्याह भविष्य की परछाई दिखाई देगी। युद्ध किसी मसले का हल नहीं है, ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अपनी सुरक्षा और हमलावरों को धूल में मिलाने के लिए हथियारों का होना जरूरी है। भारत अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए विदेश से हथियार बेशक खरीदता रहा है, लेकिन हमारी खुद की फायर पावर भी किसी से 19 नहीं है। इसका सबूत है हिंदुस्तान के तेजस का वो तेज तर्रार तेज जिसकी चमक में दुश्मन की आंखें चौंधिया जाती हैं। नीले आसमान पर हवा से होड़ लेते हुए जब ये आगे बढ़ता है तो इसकी शक्ति देखते ही बनती है। इसमें सवार हमारे वायुवीर जब रणकौशल के नए नए कीर्तिमान गढ़ते हुए टारगेट ध्वस्त करते हैं तब दुश्मन का कलेजा कांपने लगता है। आसमान से शत्रु को धूल चटाने के लिए यह है भारत का विशुद्ध स्वदेशी हथियार। यह सिर्फ कहने को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। भारत की आन पर आए तो यह बड़े बड़े सूरमाओं को पल भर में धराशायी कर सकता है। अचूक मारक क्षमता वाला ये कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जब गगन को चीर कर आगे बढ़ता है तब इसकी गर्जना से ही दुश्मनों को सांप सूंघ जाता है। भारत के इस आसमानी चीते को अगर रुद्र का साथ मिल जाए तो समझिए मैदान साफ होते देर नहीं लगेगी। रुद्र भारत का सबसे दमदार स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसे लद्दाख के मोर्चे पर तैनात किया गया है। इसकी कई खूबियां इसे अमेरिका से खरीदे गए मल्टीरोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अपाचे से भी बेहतर बनाती हैं। खास तौर पर हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर में रुद्र का पलड़ा अपाचे से भारी है और चीन को अपने जिस Z-19 लड़ाकू हेलीकॉप्टर पर बड़ा गुमान है वो इसके आगे कहीं ठहरता ही नहीं है। हिंदुस्तान की जमीन कब्जाने की नीयत से चीन लद्दाख में जमा है और उसका पिट्ठू पाकिस्तान LOC पर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत की देसी फायर पावर की मार इन दोनों से निपटने के लिए काफी है, क्योंकि आसमान से अगर तेजस, रुद्र और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आग बरसाएंगे तो शत्रु पर जमीन से अग्निवर्षा का भी पूरा इंतजाम है। ये अर्जुन है, महाभारत के अर्जुन की तरह इसका निशाना भी अचूक है। ये कितना घातक है ये जानना है तो सिर्फ ये समझ लीजिए कि जिस मैदान में अर्जुन हो वहां से दुश्मन का बच निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। भारतीय सेना के लिए तैयार किया गया ये तीसरी पीढ़ी का वो मेन बैटल टैंक है जिसे पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। शत्रु का सीना छलनी करने के लिए M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्ज़र तोपें और K9 वज्र भी मौजूद हैं। ये हिंदुस्तान के आयुध भंडार के वो हथियार हैं जिनकी मार से बचना शत्रु के लिए नामुमकिन है। इनसे होने वाले धमाकों की गूंज इस्लामाबाद और बीजिंग तक को दहला रही है।
इनके कल पुर्जों में होने वाली एक एक हरकत इमरान और जिनपिंग दोनों को डरा रही है। दूर लक्ष्य पर इनका प्रहार आसमान से गड़गड़ाती हुई बिजली की तरह गिरता है और पल भर में सब कुछ नेस्त नाबूद हो जाता है। बचता है तो सिर्फ दुश्मनों के अरमानों का धुआं और राख। और इसके बाद भी अगर शत्रु में कुछ सांस बच जाए तो उसकी डोर भारत की मिसाइल पावर तोड़ देगी। ब्रह्मोस, निर्भय, शौर्य और पृथ्वी टू की मार शत्रु का सीना छलनी कर देगी। ये बेशक संहार के औजार हैं, लेकिन भारत वचनबद्ध है कि हम इनका इस्तेमाल किसी को डराने के लिए नहीं करेंगे। हम इनका इस्तेमाल किसी की जमीन हथियाने के लिए नहीं करेंगे। हाँ, अगर किसी ने आंख दिखाई तो हम इनसे इतनी आग बरसाएंगे कि शत्रु की जमीन हमेशा के लिए बंजर हो जाएगी।